आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूटीआर नंबर कैसे निकाली जाती है फोन पे या फिर गूगल पे के अंदर। जो यूटीआर नंबर होती है उसको पता कैसे किया जाता है जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, तो यूटीआर नंबर कैसे निकालेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यूटीआर नंबर अगर आप भी निकालना चाहते हैं चाहे फ़ोन पे या फिर गूगल पे के थ्रू जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बेसिकली इसको हम ज़्यादातर केसेस में किसी वेबसाइट में पेमेंट करने पर, किसी एप्लीकेशन में, किसी गेम में जब हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे यूटीआर नंबर और आपका अमाउंट मांगा जाता है। अब यहाँ पे यूटीआर नंबर फाइंड करने का फ़ोन पे का जो तरीका है वो आगे हम जानेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको फ़ोन पे ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने जब भी पेमेंट की थी तो हिस्ट्री में आपको चले जाना है, यहाँ से आपके सारे पेमेंट्स आ जाएंगे। अब हमें जो है, हमने अभी एक जो पेमेंट किया है उसकी हमें जो है यूटीआर नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जो भी आपने पेमेंट की है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेबिटेड फ्रॉम, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लास्ट डिजिट आ जाएंगे और यहाँ पे है आपका यूटीआर। ठीक है, तो ये बेसिकली यूटीआर है। आपको क्या करना है, इस यूटीआर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यूटीआर को यहाँ से आप जैसे कॉपी करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए यूटीआर हैज़ बीन कॉपीड फ्रॉम योर क्लिपबोर्ड। तो अब आपको जब से आपका जो यूटीआर है वो कॉपी हो जाता है उसको वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आपको अपलोड कर देना है, या फिर वेबसाइट पर आपको इस यूटीआर को जो है डालकर सबमिट कर देना है। अमाउंट आपको सही तरीके से डालना है, इसके बाद आपका यूटीआर जो है वहाँ पे जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।